कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवीएस एग्जाम के लिए जो 29 अप्रैल 2023 को जो होने वाला है, इनमें से जो 40 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन कहां से? रीजनिंग से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का जो हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि यहां पर दिया गया है 3 डायग्राम है 4 बॉक्स है, जिनमें से 3 में कुछ क्वेश्चन है, पैटर्न है, और 4th में आपका क्वेश्चन मार्क है, जिसे हमको देखना है कि ये आंसर फिगर में से कोई भी एक आंसर सही है। देख रहे हैं आप, नेक्स्ट वाले में ये ऐसे चले जाता है, तो ध्यान रखिए नेक्स्ट वाला जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। तो क्या किसी ऑप्शन में ऊपर वाला सही डायरेक्शन है? तो हाँ, ये आपका आंसर आएगा टी। ठीक है, सेम अगर हम आगे देखें इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं इन चीजों को लेकर। यहां पर देखो, ये डायग्राम को देख सकते हैं आप। यहां पर फिर एक सिंबल आ गया, यहां पर 2 सिंबल आ गया, और इसका देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है जिसको आपको सॉल्व करना है। यहां पर भी कुछ पैटर्न दिया गया है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डायग्राम है। नेक्स्ट वाले में 3 डायग्राम के साथ एक छोटा सा और डायग्राम दिया गया है, मतलब एक सिंबल दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 कंप्लीट हो गया, तो क्या हो रहा है? एक पैटर्न देखेंगे आप, तो इसमें देखने को मिल रहा है 3, 3.5, 4, फिर 4.5 हो जाएगा। तो जिसमें 4.5 है वो सही होगा, तो आपका आंसर नंबर ए आएगा। क्यों? इसमें भी 4.5 है, इसमें भी 4.5 है, लेकिन पैटर्न को देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका आंसर ए आ जाएगा। सेम अगर हम देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे चलते हैं तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसमें 1, 2, 3 और 4 ऐसे कॉलम ले लेंगे, और उसके बाद यहां पर देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है। तो आप इसमें जाकर देखेंगे तो ये जो 2 नंबर वाले हैं वो बाहर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो वैसी सेम इसको भी पैटर्न कर लो, 1, 2, 3, तो 2 वाले क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये आप बना सकते हैं इसका। फिर नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर 34, 5 में देख सकते हैं आप, यहाँ देखो एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप आकर देख सकते हैं सारे सिंबल को, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएगा जिसको आप बनाएंगे। ओके, थैंक यू।